वही मुश्किल काम नहीं होता, फील्ड जॉब लेना या फिर आईटी में जॉब लेना या फिर टेक इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेना, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आप लोग जानते ही हो कि आज के टाइम पे जो आईटी इंडस्ट्री है या फिर जो टेक इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है। दुनिया भर में बहुत ही सारी जॉब्स अवेलेबल हैं बढ़िया बढ़िया सैलरीज पे, ठीक है। लेकिन काफी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में या फिर टेक इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहते हो तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो आप बिना कोडिंग सीखे भी कर सकते हो, ठीक है, और बढ़िया मोटी सैलरी उठा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं जॉब्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इन जॉब्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहली जॉब जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है यूआई या फिर यूएक्स डिज़ाइनर। तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, तो अगर ब्रॉडली देखें तो उनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली वो होता है जो यूज़र को स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की या फिर मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, और जो बैक एंड होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो पीछे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेसिंग वगैरह होती है। जब आप कोई बटन दबाते हो या फिर कहीं पर टैप करते हो तो बैक एंड पे वो प्रोसेसिंग वगैरह होती है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही डेवलप करते हैं, लेकिन जो फ्रंट एंड का डिज़ाइन होता है ना वो एक यूआई डिज़ाइनर या फिर यूएक्स डिज़ाइनर करता है, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, और फिर वो डिज़ाइन वो डेवलपर्स को दे देता है और डेवलपर्स फिर कोडिंग को यूज़ करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो लंदन में मैं जिस कंपनी में काम करता था एज एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहाँ पे हमने एक पीसी एप्लीकेशन को डेवलप किया था और उस एप्लीकेशन का जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड था वो मैंने डेवलप किया था कोडिंग को यूज़ करके, लेकिन उसका जो डिज़ाइन था कि भाई बटन को क्लिक करने के बाद वो ग्रे कलर का होगा, उसकी बाउंड्री ब्लू कलर की हो जाएगी, लेफ्ट साइड से ड्रॉअर निकलेगा, उसके अंदर सारे के सारे टूल बटन्स होंगे, एक टूल बार भी होगा, उसकी जो विड्थ है वो लाइक 20 पिक्सल्स होगी, फॉन्ट साइज 12 होगा, यहाँ पे 16 होगा वहाँ पे, और 18 होगा नीचे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, किस तरीके से एनिमेशंस वगैरह होंगी, बटन क्लिक करके मैसेज बॉक्स खुलेगा, वो सारी चीज़ें मेरे को यूआई डिज़ाइनर ने एक सॉफ्टवेयर होता है अडोबी एक्सडी नाम का, उसके ऊपर डिज़ाइन करके दी थी और वो सारी चीज़ों को मैंने कोडिंग को यूज़ करके इंप्लीमेंट किया था। तो ये हिसाब किताब होता है, ऐसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती लेकिन अगर आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर डिज़ाइन स्किल्स हैं और साथ के साथ आप यूज़र की साइकोलॉजी को समझते हो कि हाँ भाई यूज़र को ये पसंद आएगा और ये पसंद नहीं आएगा, तो उस केस में ये जॉब आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और अगर सैलरीज की बात करें तो सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड 17 या 18 डॉलर पर आर से, एंड इट कैन गो अप टू 45 या फिर 50 डॉलर पर आर, ठीक है। बाकी अगली जॉब के बारे में वहां पे जाके बात करते हैं। अब यार, अगली जो जॉब है ना जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आप मोटी बढ़िया सैलरी उठा सकते हो आईटी या फिर टेक इंडस्ट्री के अंदर, वो है प्रोडक्ट ओनर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर की। तो बेसिकली होता क्या है कि ये लोग बहुत ही बढ़िया सैलरी उठाते हैं, ठीक है। इनका काम यही होता है कि कस्टमर से, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी उठाना, उन सबको समझना और फिर अपनी डेवलपर्स की टीम को दे देना, और फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट डेवलपर्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है ना तो उसको अलग अलग स्टेजेस में किया जाता है, एक ही बार में उसको डेवलप करके कस्टमर को नहीं दिया जाता या फिर पब्लिक के लिए रिलीज़ नहीं किया जाता। एक पहली स्टेज जब डिज़ाइन हो जाती है उसके बाद उसको कस्टमर को दिया जाता है। कस्टमर क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को देखता है कि भाई क्या कमियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह है, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट ओनर को बताता है, प्रोडक्ट ओनर क्या करता है उन सारी रिक्वायरमेंट्स को या फिर कमियों को या फिर प्रॉब्लम को प्रॉपर प्रायोरिटी के हिसाब से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है उसमें डालता है। फिर जो डेवलपर्स होते हैं वो सारी प्रायोरिटी के हिसाब से उन सारी कमियों को पूरा करते हैं या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये काम होता है प्रोडक्ट ओनर का, ठीक है, ब्रीफली बताया, लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं। बाकी अगर सैलरीज की बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है बिल्कुल जूनियर लेवल से, वो होती है लाइक 25 या 30 डॉलर पर आर, और फिर इट कैन गो अप टू 70 या फिर इवन 80 डॉलर्स पर आर। तो ये हिसाब किताब होता है। हाँ जी, तो यार अगली जो जॉब आती है वो आती है टेक्निकल राइटर्स की। तो बेसिकली जो आईटी या फिर टेक इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो सिर्फ यही नहीं किया जाता, साथ साथ बहुत ही सारी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस रिलीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए या फिर यूज़र मैनुअल्स हो गए जिसके अंदर यूज़र के लिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, और साथ के साथ जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है तो डेवलपर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये सारा जो काम होता है वो टेक्निकल राइटर्स का होता है। फॉर एग्जांपल, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं वहां पे क्या होता है, जो आईसीज होती है ना उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। तो बेसिकली जो ग्रीन कलर के बोर्ड होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आप देखते हो, उनके ऊपर ब्लैक कलर की चिप्स होती हैं, आईसीज होती हैं, तो मेरी कंपनी वो डिजाइन करती है और उनको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और उस आईसी के ऊपर बहुत सारी पिंस वगैरह होती हैं, हर एक पिन का क्या काम है, वो आईसी किस तरीके से काम करेगी, अगर उस आईसी को किसी और आईसी के साथ इंटरफेस करना है तो वो किस तरीके से होगा, तो ये सारी
चीज़ों की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो टेक्निकल राइटर ही करते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। तो अगर आपको कोडिंग वगैरह सीखने का मन नहीं है, आपको मज़ा नहीं आता, या फिर आपका कोडिंग पैशन नहीं है, तो यू कैन गो फॉर टेक्निकल राइटर वाली जॉब, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनकी सैलरीज की अगर बात करें तो स्टार्ट होती है $16 या $17 पर आवर से, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो इट कैन गो अप टू $45 पर आवर। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरी ही कंपनी के अंदर एक लेडी ने एज अ टेक्निकल राइटर स्टार्ट किया था लाइक 20 साल पहले, और आज के टाइम पे वो काफ़ी ऊपर वाली पोजीशन पे है, काफ़ी बड़ी पोजीशन पे, ठीक है। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बाकी अब बात करते हैं अगली जॉब के बारे में। अब यार अगली जो आईटी इंडस्ट्री की जॉब आती है जिसमें आप मोटी सैलरी उठा सकते हो और आज के टाइम पे उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वो है डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट की जॉब। और आगे आने वाले टाइम में भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी बढ़िया डिमांड रहेगी। बाकी अगर ब्रीफली हम डिस्कस करें कि भाई डेटा एनालिस्ट करता क्या है, तो बेसिकली ये डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुछ मॉडल्स या एल्गोरिदम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। वो मॉडल्स क्या करते हैं, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था ना उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की जाती है प्रॉपर फॉर्म में अपर मैनेजमेंट को या फिर हायर मैनेजमेंट को या फिर जो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम्स होती हैं उनको। और वो लोग क्या करते हैं, वो जो डेटा कलेक्ट हुआ है या एनालाइज हुआ है या फिर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट हुआ है ना, उसको लेके अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हिसाब किताब होता है डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट का। बाकी एक मेरी फ्रेंड है जो कि एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रही है एक कंपनी के अंदर, उसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे बनना है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी सैलरी मिल सकती है, वो सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बढ़िया वीडियो है। बाकी अगर मैं जनरली सैलरीज की बात करूँ तो सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड $25 या $30 पर आर से एक जूनियर लेवल पे, एंड इट कैन गो अप टू $70 या $75 पर आर। तो ये हिसाब किताब होता है। अब यार अगर हम डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट की जॉब के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कोडिंग इन्वेडर्स को। तो बेसिकली अगर आप किसी नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड में आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर किसी भी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, तो जो कोडिंग इन्वेडर्स है ना वो एक 6.5 मंथ्स का प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अब यार इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपको आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए या फिर डेटा साइंस से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा कोई भी प्री रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड से आईटी में आना चाहते हो या फिर आप डेटा साइंस या एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम करके आप आराम से बन जाओगे। और यार इस प्रोग्राम में आपको सारी की सारी चीजें बेसिक से सिखाई जाती हैं, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो या फिर डेटा इंजीनियरिंग हो। और साथ के साथ इस प्रोग्राम के दौरान आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, वन ऑन वन सेशंस होते हैं, और साथ के साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी लाइव सेशंस कराए जाते हैं। और यार इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मंथ्स, और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाती है और साथ के साथ प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है। और यार इनके जो प्लेसमेंट का सक्सेस रेट है वो है 94%। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने कोर्स किया है उसमें से 94% लोगों की जॉब लग गई थी डेटा साइंस के फील्ड में, और बाकी के जो 6% लोग हैं वो कोर्स को ढंग से नहीं कर पाए या फिर टाइम नहीं निकाल पाए, उनको मनी बैक गारंटी दी जाती है। और यार दिवाली के आसपास ये एक नया प्लेसमेंट गारंटी बैच स्टार्ट कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए, जिसके प्राइस के ऊपर ये 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप वो डिस्काउंट लेना चाहते हो तो गुरसाहिब 30 नाम का कोड यूज़ कर सकते हो, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। अब यार अगर आपको कोडिंग करने में मज़ा नहीं आता है या फिर प्रोग्रामिंग से आपको किक नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या फिर जिन कंपनीज में सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप होते हैं उन कंपनीज में काम करना चाहते हो क्योंकि सैलरी काफ़ी मोटी मिलती है, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब है, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टर की। तो बेसिकली होता क्या है कि इन कंपनीज में जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए जाते हैं तो जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, कस्टमर को भेजने से पहले बीच में एक और स्टेज आती है जो कि होती है टेस्टिंग की, और ऑब्वियसली उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं प्रॉपरली प्रोडक्ट को या फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं अच्छे से थॉरली, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम, जितने भी बग्स होते हैं, कोई फीचर मिसिंग है या फिर कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट दी थी वो नहीं है, वो सारी चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था ना जहाँ पे प्रोडक्ट ओनर सारी की सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट डालता है, वहीं पे सारी की सारी चीज़ों को डाल देते हैं, और वहां से डेवलपर वो प्रॉब्लम्स को पिक करते हैं और उनको फिर से सॉल्व करके सॉफ्टवेयर टेस्टर को भेजते हैं वेरीफिकेशन के लिए कि हाँ भाई सॉल्व हो गई है। सॉफ्टवेयर टेस्टर की बढ़िया जॉब होती है। और सैलरीज की अगर बात करें तो स्टार्ट होती है अराउंड $20 पर आवर से, एंड इट कैन गो अप टू लाइक $45 या फिर $50 पर आर। और साथ के साथ जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते रहोगे, स्किल्स वगैरह और डेवलप करते रहोगे, तो आप सीनियर टेस्टर बन जाओगे, उसके बाद फिर पूरी की पूरी टीम को भी मैनेज कर सकते हो, फिर मैनेजर बनने के बाद योर सैलरी कैन गो अप टू $80 या $85 पर आर। तो ये हिसाब किताब होता है, ठीक है। अब यार अगली जो जॉब है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, वो है सेल्स और मार्केटिंग की जॉब। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि ये किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप सेल्स या मार्केटिंग के फील्ड में हो तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके किसी भी
कंपनी में जाके काम कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो कोई चैरिटी तो कर नहीं रही हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाना है, और प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर उसको मार्केट करने के लिए हर कंपनी को सेल्स या मार्केटिंग वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया हैं, साथ के साथ आप लोगों को परसुएड कर सकते हो या फिर कंपनीज वगैरह को कन्विंस कर सकते हो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई सेल्स, उसमें बढ़िया पैसे कमाए जाते हैं। अगर सैलरी की बात करें, सैलरी नॉर्मल होती है लाइक 20, 30 या 40 डॉलर पर आर के हिसाब से पैकेज वगैरह होगा, लेकिन उसके ऊपर कमीशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सेल्स वाले लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लाइक वारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर मार्केटिंग की बात करें तो आज के टाइम पे जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी बूम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ की। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग वगैरह हो गया, अगर आप MBA इन मार्केटिंग कर लेते हो तो भैया पैसा ही पैसा हो जाएगा। और मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जॉब्स काफ़ी सारी होती है, मतलब काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव, सीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर, काफ़ी हिसाब किताब होता है, तो आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, इनके जो मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स वगैरह, बहुत पैसा छापते हैं, मजे मजे हैं। ठीक है, तो यही हिसाब किताब होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। बाकी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि ये जो जॉब्स आपने बताई हैं अभी, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डिज़ाइनर या फिर जो भी जॉब्स वगैरह मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो वो जॉब्स करने के लिए स्किल्स वगैरह कहाँ से गेन करें, कैसे पता लगेगा कि भाई कौन से स्किल्स वगैरह सीखने हैं? तो उसके लिए हमेशा मैं यही कहता हूँ, लिंक्डइन एंड गूगल आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेसिकली आपको सिंपली लिंक्डइन पे जाना है और ये जो प्रोफाइल्स है ना, इस प्रोफाइल से रिलेटेड लोगों को सर्च करना और देखो कि भाई अगर वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या सर्टिफिकेशंस किए हैं, उनके पास क्या स्किल्स हैं। लिंक्डइन पे लोग खुल के सारी चीजें लिखते हैं, तो वही चीजें सीखना शुरू कर दो, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। या फिर आप गूगल पे जाओ और कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ और साथ देखो जॉब डिस्क्रिप्शंस को, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि भी हमें जो बंदा चाहिए उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए या फिर ये सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, सारी की सारी चीजें डिटेल में लिखी होती हैं। तो आप जाके चेकआउट करो, जो लिखा है वो चीज सीखना शुरू कर दो, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं होता फील्ड जॉब लेना या फिर IT में जॉब लेना या फिर टेक इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेना, बहुत ही आसान काम है। आपका फोकस बिल्कुल सही होना चाहिए, डेफिनेटली कनाडा आने के बाद या फिर दुनिया में कहीं भी जाने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, बस मेहनत करते रहो और एंड में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है बस। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।